था अपने मन की निम्नतम गहराई से कह रहा हूँ बुद्ध को नमन, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, विद्यमान पूज्य भिक्खु संघ जो हमारे सबके आस्था के प्रतीक पूज्य भंते नागार्जुन सुरेश सस्सन जी के सानिध्य में यहाँ उपस्थित है, मैं उसको भी नमन करता हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार के एक ओनार रतन यहाँ पर सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे मध्य विराजमान है, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी भीम सेनानी बुद्ध पुत्र मौजूद हैं उन सबके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। यहाँ ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बहुत अजीब अजीब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और वो अफवाहें फैलाना कम से कम हमारे समाज के सच्चे भीम पुत्र का काम हो नहीं सकता। मैं यहाँ मंच पर आया तो मुझे पता चला कि भाई इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए मीडिया पर जो पोस्ट डाली जा रही हैं उस पर 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, 5 लाख रुपए आपने इस प्रोग्राम पर खर्च किए हैं तो यार मुझे दिलाओ ना। वो सारी पोस्ट व्हाट्सएप की, फेसबुक की, सम्यक प्रकाशन ने फ्री बना के दी है, और मैं घोषणा कर रहा हूँ अब जो 26 नवंबर को इस धम्म दीक्षा ग्राउंड में कार्यक्रम होगा उसकी भी पोस्ट हम फ्री बना के देंगे। आज जितने भी मेरे धम्म बंधु बुद्ध की शरण में आए हैं, भीमसेना नागपुर की जो मशहूर संस्था है मैं उसके संस्थापक और अध्यक्ष अपने भाई श्रीधर सालवे जी जो यहाँ मौजूद है, उनकी सारी टीम, उनके जितने भी बहादुर सेनानी हैं उन सबके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज पे आज सबसे बड़ा अगर कोई कल्याणकारी काम हो सकता है या सबसे अधिक कोई क्रांतिकारी काम हो सकता है तो वो यही है कि वो बुद्ध से जुड़े, और जब वो बुद्ध से जुड़ जाएंगे जैसा बाबा साहब ने नागपुर के अपने भाषण में कहा था कि जिस दिन हमारा समाज बुद्ध से जुड़ जाएगा उसी दिन वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बन जाएगा, उसका परिवार सारी दुनिया का बन जाएगा। हम आज देख रहे हैं 2018 के आते आते हमारे समाज की बहुत सारी योग्य पुत्रियों का विवाह बहुत देश के युवकों से हो रहा है, हमारे यहाँ हमारी बेटियों की बारात बहुत देशों से आ रही है, ये चलन आगे ज्यादा बढ़ा नहीं। कारण ये है कि हमारे समाज में समर्थ भिक्खुओं की, हमारे समाज में समर्थ कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को सारी दुनिया में एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है, मगर हम अयोग्य हैं, हम अक्षम हैं, हम खाली भाषणों तक अपने आंदोलन को सीमित रखते हैं, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की वास्तविक छवि को दुनिया के सामने पेश करने में नाकाम है। इसलिए मेरा कहना है, अपने साथियों को कहना है कि आज जब बुद्ध की शरण में आप आ गए हैं तो आज से आप अध्ययन करना आरंभ कर देना। जिस दिन आप किताबों के पन्ने, ईमानदार लेखकों की किताबों के पन्ने उलटना पलटना शुरू करेंगे उसी दिन आपको इस बात पर गर्व होगा कि हम इस देश के सबसे सच्चे प्रमाणिक और लोक कल्याणवादी महाराजाओं की संतान हैं। हम सम्राट अशोक के ऋणी हैं, जो ऋणी है उस व्यक्ति ने अपने पराक्रम से बौद्ध धर्म के संबंध में जो कल्याणकारी कार्य किए उन्हीं के कारण ये बौद्ध धर्म बिल्कुल समाप्त होने के कारण दोबारा जिंदा हो गया। कारण ये था सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में 9 मिशनरी बौद्ध देशों को भेजी थी, उनमें बर्मा भी शामिल था, उनमें लंका भी शामिल था, उसमें सुना प्रांत भी शामिल था, उसमें चीन और तिब्बत भी शामिल था, उसमें गांधार भी शामिल था, उसमें
उसमें काश्मीर भी शामिल था, वहां उन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। मगर जब इस देश में हमारे अंतिम मौर्य सम्राट, अंतिम बौद्ध सम्राट प्रदरत मौर्य की हत्या के बाद बौद्धों के विरोध में षड्यंत्र चक्र चला और ये बौद्ध धर्म पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उसे अग्नि के हवाले लंका को करने का इतिहास लिखा है। ऐसा ही सारे भारतवर्ष में हमारे विश्वविद्यालयों, हमारे बौद्ध भिक्षुओं, हमारे बुद्ध विहारों के साथ हुआ था। उसके बाद में जब दोबारा ये बौद्ध धर्म वापिस आया है तो वो सम्राट अशोक ने जो 9 प्रचारक दल बौद्ध देशों में भेजे थे, उसमें बर्मा भी था, थाईलैंड भी था, श्रीलंका भी था, नेपाल भी था, वहीं से अब ये बौद्ध धर्म वापिस आया है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी उसमें एक श्राम नैन भिक्खु सुमेद थे, बाकी के भिक्खु सब एक चंद्रमणि जी बर्मा के थे, ब्रह्म देश के थे, बाकी भिक्खु श्रीलंका के थे। हमें सम्राट अशोक के आज के दिन सम्मान के साथ याद रखना चाहिए। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन की तो ये कहानी है। मैं कहता हूँ किसी भी गुरु का, किसी भी महापुरुष का अगर दर्शन सर चढ़कर बोलता है तो वो उनके अनुयायियों के कारण बोलता है। और अगर किसी के आंदोलन की, किसी महापुरुष का आंदोलन कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी पथ पिटती है, अगर वो विफल होता है, उसका कारण वो महापुरुष नहीं होता, उसका कारण उसके बेईमान शिष्य होते हैं जो दुश्मनों की गोदी में जाकर के अपना अतीत भूल जाते हैं, अपने समाज के गौरव को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। बाबा साहब का आज ये आंदोलन भाषणवादों के चक्कर में फंस के रह गया है। कोई जब मुझे कहता है आप बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं तो मैं कहता हूँ मुझे कोई और गाली दीजिए मगर वक्ता मत कीजिए। वक्ता का क्या मतलब है? वक्ता जो वक्ता ही वक्ता, करता कुछ नहीं, मगर मुझे गर्व है मैं वक्ता होने के अलावा एक सम्यक प्रकाशन नाम का संस्थान भी चलाता हूँ। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अम्बेडकर आर्ट का सब्जेक्ट आने वाले समय में खड़ा होगा, उस सब्जेक्ट को पुष्ट करने के लिए अपनी कलम के साथ साथ अपना पुरुष भी चलाता हूँ। और मैंने सबसे बड़ा काम ये किया है कि इस देश के करीब 400 लेखकों को, जिसमें महाराष्ट्र के सबसे अधिक हैं, उसको बौद्ध धर्म के बारे में और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, अपने सामाजिक क्रांतिकारियों के बारे में अनुकूल लिखने के लिए हमने उनको नामबंद किया है। मुझे पूरा भरोसा है आज इस जगह जो कार्यक्रम में कुछ संख्या कम नजर आई उसके बहुत सारे कारण हैं, मगर जो लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया वो वाकई ही धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हीं के कारण आज के इस कार्यक्रम की शोभा बनी है। अभी ये जो एक पुस्तक आई है महाराजा कसाई नदी पर, आप अपने बच्चों को बताना, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को बताना कि ये जो कौशल राज था उसका नाम प्रसेनजीत नहीं था, बसेनजी था। षड्यंत्र के तहत राम का वंशज, उनके 3 वंशज प्रसेनजीत के नाम से हुए हैं। उन्होंने वो नाम मिलता जुलता नाम देख करके हमारे पुरखे को दे दिया, वो एक षड्यंत्र है, उससे बचना और प्रसेनजी को प्रसेनजी ही कहना। और ये किताब जो लोग इसको लेना चाहते हैं पर वहाँ स्टार पर आपको मिल जाएगी। और हमने मानवातन जाति का जिसमें जो इतिहास लिखा है, इसमें हमने जो खंजर जाति उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में प्रमुखता से होती है, गुजरात में, पंजाब में होती है, उसके बारे में भी इसमें दिया है। वो और मानवातन एक ही लोग हैं। और जो लोग डोम हैं, जो बंगाल के चांडाल हैं, जिनको हम अब नमो शूद्र कहते हैं, ये सारे के सारे पुराने बुद्ध पुत्र हैं। इनका भी हमने संबंध मानवातन जाति से एक साथ में परमाणु सहित सिद्ध करके दिखा दिया है। और सब जातियों का इतिहास इसी प्रकार से वर्तमान होगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। मगर एक काम आज आप अपने घर में शुरू कर दीजिए। गोत्र की जो चलन है, गोत्र का जो चलन है वो नॉन ब्राह्मण लोगों का नहीं है, मगर हमारे यहाँ जब शादी करते हैं तो गोत्र पूछते हैं। ये गोत्र पूछने के बजाय अब आप एक काम करना, आप हिम्मत करोगे तो हो जाएगा, अगर आप पेट का हिस्सा बनना चाहते हो तो नहीं होगा। जब आपके घर में आपके बेटी या बेटी के लिए रिश्ता आए, उसका गोत्र मत पूछना, उसकी जाति पूछना, और जिस जाति का वो व्यक्ति है उस जाति में शादी मत करना। जवान बाल्मीकि से शादी करें, बाल्मीकि फटीक से जाति करें,
कठिन चुलाहे से जाती करें। जिस दिन आपने ये बात पुराना काम करना शुरू कर दिया उसी दिन इस भारतवर्ष की तस्वीर बदलेगी, और वो जो बदली हुई तस्वीर होगी वो भारतवर्ष का नक्शा बुद्धमय होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों समय बहुत कम है, मैं अक्सर कहता हूँ मुझे इस बात का बहुत कम है, मगर याद रखना आने वाली 18 तारीख को दोसा में एक बहुत बड़ा संविधान के नाम पर 11 मार्च को संविधान को बचाने के लिए, संविधान को घर घर पहुंचाने के लिए, संविधान की ताकत को सिद्ध करने के लिए 11 तारीख को दोसा में एक कार्यक्रम आयोजित है। आशा है आप वहाँ आएंगे, नहीं आएंगे तो वहाँ जो आ सकते हैं उन्हें आने के लिए आप प्रेरित करेंगे। एक बात और, मैं जो यहाँ आज आया था उसके पीछे एक कारण ये भी था कि आज मंच पर एक बहुत योग्य भिक्कू जो भगवान बुद्ध की विनय पिटक के अनुसार और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अपेक्षाओं के अनुसार बिल्कुल खड़े उतरते हैं, और उन्होंने ये समझकर कि भाषा किसी भी संस्कृति का आधार होती है, भाषा किसी भी संस्कृति के प्राण होती है, इसलिए उन्होंने पाली भाषा के संवर्धन के लिए एक प्रदर्शन उन्होंने आयोजित किया है, जो शुक्रवार के दिन 9 मार्च को सुबह 10 बजे रानी झांसी मार्ग अम्बेडकर भवन से आरंभ होगा, और ये जाएगा कहाँ, ये भारत के संसद पर जाएगा। आप ऐसे योग्य भिक्खु के दर्शन करने चाहेंगे, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं आदेश करने की मुद्रा में तो नहीं हूँ, निवेदन कर रहा हूँ पूज्य भंते चंद्रमणि जी के, चंद्र कीर्ति जी के आंदोलन से आप अगर सहमत हैं और पार्लियामेंट पर उस दिन शुक्रवार को सुबह 10 बजे अम्बेडकर भवन से चलकर पहुंचेंगे तो एक बार ऊंची ध्वनि के साथ ताली बजाकर उनका स्वागत करें। मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा, और कल से हम इस कार्यक्रम के समर्थन में अपनी पोस्ट डालना भी शुरू कर देंगे। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया हमेशा जहाँ भी कोई अच्छा कार्य होता है, भारतीय बौद्ध महासभा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली की जहाँ भी कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, हम सब जगह जाकर के अपना समर्थन दर्ज कराते हैं, और ये नहीं देखते कि वहाँ किसको बुलाया है किसको नहीं बुलाया है। हम किसी के भी साथ बैठने को तैयार हैं, हम किसी भी के साथ चलने को तैयार हैं, बशर्ते कोई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अरमानों को पूरा करने के लिए आया हो। जितना भी मीडिया यहाँ आया, हमारा सोशल मीडिया आया, उन्होंने अपनी जो निस्वार्थ सेवाएं दी है उनके प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ। और भाई राज रतन जी ने इतना व्यस्त होते हुए भी समय निकालकर सुंदर शब्दों में जो आपका क्रांतिकारी प्रबोधन किया, वो इस ग्राउंड के इतिहास की एक नजीर बनेगी, उस वो भी आप उसके साक्षी बने हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब आपको कहता हूँ जय भीम, नमो बुद्धस्त, जय भारत।